नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं या ऑप्शन में शुरुआत किए हैं तो ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कॉल कैसे बनता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे आप ट्रैप सिचुएशन से बच सकते हैं, फेक कॉल से कैसे बच सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लॉस खाना से बच जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लॉस खाने से कैसे बचना है इस वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, जो क्या टेक्निक आपको फॉलो करना चाहिए। तो जरूर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जस्ट लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपके पास एलएस ब्लू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा। जो भी मन में डाउट या क्वेरीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं आज का परफॉर्मेंस। आज को मैं 36,700 का बैंक निफ्टी का कॉल का एक चार्ट ओपन किया हूँ। तो ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल था, ये जो व्हाइट कलर का डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये डे सेपरेटर लाइन है। तो ये लाइन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको इजिली पता चल जाए जो आज को मार्केट शुरू कहाँ पर हुआ था। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर के हिसाब से फर्स्ट बाय का कॉल दिया था यहाँ पर। ये जो बाय का कॉल देख रहे हैं इसका वैल्यू 117 का करीबन था, 117 रुपये में बाय का कॉल दिया था। ऑप्शन में यहाँ पर अलग सा टारगेट एंड स्टॉप लॉस कुछ हम लोग का आता नहीं है, ऑब्वियसली आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। हम लोग बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सोचिए 117 रुपये में सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर बाय का कॉल दिया है। अब मेनली जो क्वेश्चन है मन में, जो क्या ये बाय का कॉल सही है, इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस बेसिस पे आप इसमें ट्रेड लेंगे, तो कुछ कंडीशन है जिसको आपको देखना पड़ेगा एंट्री लेने का पहले। और वो कंडीशन यही है, बाइंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन हो जाना चाहिए। पहले देखिए रेट चल रहा था, रेट मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग था, बाइंग का पहले ये लाइन ऑलरेडी रिबन ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो आपका मैच हो चुका है। सिग्नल का साथ ही आपको एक स्टार दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा डक गया है बट एरो का नीचे ही छोटा सा ग्रीन स्टार है, तो स्टार हम लोग का एक सेकेंड कंडीशन जो मैच है। यहाँ पर थर्ड कंडीशन है, सिग्नल का पहले आपको एक ब्लू कैंडल दिखाई देगा और उसका पहले आपका दो लाइन दिखाई देगा जो ब्रेक होकर नीचे आ गया और उसका कलर ग्रीन हो गया अभी। तो ये थर्ड कंडीशन है हम लोग का, जो ये बाइंग का टाइम ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा और उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। आप इसे भी अपना स्टॉप लॉस मानते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा एंड फाइनल कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। अब देखिए नीचे में आपको एक लाइन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है जिसका कलर एक बार ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है। कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है मिडिल का वाइड हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका वैल्यू राइट साइड में लिखा हुआ है 0, मतलब ये है आपका न्यूट्रल। और जैसे ये लाइन न्यूट्रल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, मतलब स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस गए। तो ये चार बेसिक कंडीशन आपको वॉच करना है एंट्री लेने का पहले। होपफुली क्लियर हो गया है, जैसे कोई कॉल बनेगा ये चार कंडीशन देखना है। एक है नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना है, स्टार बनना है, दोनों लाइन ब्रेक करके नीचे आएगा और ये लाइन 0 को तोड़ के ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका कॉल कन्फर्म कर रहा है। आप एंट्री लेते लेते 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट हाथ से निकल भी जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ट्रेंड पता चल गया जो आप यहाँ पर बाय करेंगे। और आपका टारगेट क्या होने वाला है, ऊपर में देखिए ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस है। एक्चुअली यही टारगेट बोलूंगा ऐसा नहीं, ये आपको एक अंदाजा देता है जो इतना दूर तक मार्केट ले जा सकता है, जिसका वैल्यू राइट साइड में लिखा है 218, मतलब 100 पॉइंट का आपको रैली दिख रहा है। तो आराम से आप इस टाइप का कॉल पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए एंट्री लेने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, इतना दूर तक तो ग्रीन था, अब ये लाइन नीचे में रेड होके आने का मतलब ये है सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर बढ़ते बढ़ते देखिए मार्केट काफ़ी नीचे आ गया, सेल का कॉल भी बन गया। सेल का कॉल बनने से नोटिफिकेशन तो आएगा ही, बट आपको देखना है क्या ये सेल का कॉल सही है। नीचे का रिबन अभी भी ग्रीन है, सेल का कॉल का पहले कोई रेड स्टार तो है नहीं, नीचे का तरफ ये जो दोनों लाइन है ये अभी भी ग्रीन होके खड़ा है और ये जो लाइन है रेड तो हुआ है बट ये 0 से अभी भी ऊपर है, तो ये सेल का कॉल आपके लिए हो जाएगा फॉल्स कॉल। तो इस टाइप का कॉल में हम लोग जनरली ट्रैप हो जाते हैं, हम लोग को लगता है मार्केट ऊपर गया अब नीचे आ जाएगा और हम लोग यहाँ पर निकल जाते हैं या सेल कर लेते हैं और अल्टीमेट देखेंगे कि मार्केट घुमा दिया। तो दोबारा ये बाय का कॉल बन गया यहाँ पर। बेसिकली इस बाय का कॉल का कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअली बाय का कॉल आपका जो चल रहा है वो पहला वाला यहाँ से चल रहा है, अभी भी इसका एग्जिट नहीं हुआ है।
अल्टीमेट देखिए यहाँ पर मार्केट काफ़ी साइडवेज किया, आपका टारगेट मतलब रेजिस्टेंस तक मार्केट ऑलरेडी हिट कर चुका है। अब यहाँ पे दोबारा सेल का कॉल बना है, अभी सेल का कॉल में भी मुझे दिखाई दे रहा है नीचे का रिबॉन अभी भी ग्रीन ही था, अभी जाके मुझे दिखाई दे रहा है ये रिबॉन थोड़ा सा रेड होने का कोशिश कर रहा है, तो रिबॉन रेड होने का कोशिश कर रहा है। बट बाकी और कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी स्टार नहीं है, ये दोनों लाइन ब्रेक करके ऊपर नहीं गया है, और अभी भी ये जो लाइन है ये देखिए वाइड लाइन का ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से अभी भी आपका एग्जिट पॉइंट प्रॉपरली हुआ नहीं है। बट अगर हम लोग प्रॉफिट कर लिए हैं मार्केट से और मुझे दिखाई दे रहा है मैं ऑलरेडी मार्केट का रेजिस्टेंस का ऊपर मार्केट चला गया, तो जनरली इसका बात रिस्क नहीं लेना ही बेटर रहेगा। बट टेक्निकली अगर आप वेट करना चाहते हैं तो अभी भी आप वेट कर सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल कंसेप्ट, एंट्री से लेके एग्जिट तक मायने रखता है। बहुत बंदा एंट्री तो ले लेता है बट एग्जिट सही से नहीं कर पाता है, तो एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखिए देखते देखते आपका सामने अभी ये लाइन जीरो को तोड़ रहा है, नीचे का रिबॉन ग्रीन हुआ है और ये लाइन जीरो को तोड़ रहा है, तो ये टाइम मार्केट का वैल्यू क्या है 198। तो 198 मतलब 117 का ऊपर आपको यहाँ पर बाय कराया था, अब यहाँ पर मैक्सिमम मतलब इसका बाद और आप यहाँ पर वेट नहीं कर सकते, इसका बाद रिस्क हो जाएगा। तो आपका सामने एग्जिट का भी पॉइंटेशन मिल गया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है जो सॉफ्टवेयर क्या है कैसे इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है या मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हैं तो ऑब्वियसली मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो न्यू क्लाइंट है इसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। थैंक यू।